तो देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये न्यूज वर्ल्ड इंडिया आज आपको उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबर ग्राउंड जीरो से पहुंचाएगा। तो वानगी दिखाते हैं उत्तराखंड में किस तरह से चुनावी रंग छाया हुआ है। आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस वक्त चप्पा चप्पा भाजपा। जैसे ही आप उत्तराखंड की सरहद पे पहुंचेंगे तो डाटकाली मंदिर के पास से ही नजारा आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में पधारने पर आपका हार्दिक आभार। इसके साथ साथ कहो दिल से भाजपा फिर से। यहाँ सिद्धार्थ बंसल का जिक्र किया गया है। अगर बात शुरुआत की जाए तो दोस्तों ग्राउंड जीरो से तस्वीर आपको दिखाना हम शुरू करेंगे, तो किस तरह से उत्तराखंड में सियासी रंग छाया हुआ है उसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। तस्वीर अब आगे देखिए, एक कदम पर आपको यहां पर मौजूद दिखाई देगा कि कैसे भाजपा ने पूरी तरह से चुनावी रंग को इस तरह से रंगा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा का कमल दिखाई देता है। अब एक और नारा देखिए, अब की बार 60 पार घर घर भाजपा, हर घर भाजपा। एक दो कदम की दूरी पर ही यहां पर आपको तस्वीर दिखाई देगी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और 10। अब देखिए 10 कदम पर कहो दिल से भाजपा फिर से, नरेश बंसल, सिद्धार्थ बंसल। यहां पर ये नारा, संकेत और संदेश साफ है। अब देखिए, मैंने पहले 10 कदम गिने थे, अब यहां तो 10 कदम की भी जरूरत नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उत्तराखंड सरकार जन जन की सरकार। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड में MBBS इंटर्न को मिला सम्मानजनक, यहां पर बात 7500 रुपए से बढ़ाकर 17000 रुपए प्रति माह किया गया, ये जिक्र किया गया। लेकिन अब देखिए, एक कदम की दूरी ही नहीं, फिर एक और नारा, जन जन की यही पुकार, फिर से भाजपा सरकार, नरेश बंसल सांसद। यहां कदम की दूरी नहीं है, एक और फिर से नारा, अब सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल, धर्मपुर विधानसभा की ललकार, अब की बार 60 पार। मैं कदमों की दूरी का जिक्र ही नहीं कर रहा, यहां पर आप गिनते जाइए। अब शदाब शम्स का देखिए, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है, सबका साथ सबका विकास, भाजपा की पुकार, इस बार उत्तराखंड में फिर एक बार भाजपा सरकार।